आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ जेंडर। क्या है टॉपिक? टाइप्स ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर तो हमने बताया था ना क्या होता है, कि जिससे हमें नाउन के स्त्री पुरुष या फिर दोनों और या फिर उसके निर्जीव होने का पता चले तो वो क्या होता है? जेंडर। ठीक है, अब हमको जेंडर पता चल गया था कि बॉय मैस्कुलीन है, गर्ल फेमिनिन है, बेबी अरे अभी कहाँ मैस्कुलीन फेमिनिन है, अभी बॉय किस में आएगा? मेल में। गर्ल आएगा फीमेल में। बेबी आएगा गर्ल और फीमेल दोनों में। समझ में आया कि नहीं? और पेन पेंसिल इरेजर कटर शॉर्पनर ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग। वेरी गुड। अब क्या आएगा टॉपिक? टाइप्स ऑफ जेंडर। तो पहला क्या होता है बताओ? या मैस्कुलीन बोल लो। पहला क्या है? मैस्कुलीन। मैस्कुलीन मतलब क्या होता है? पुल्लिंग। समझ में आया कि नहीं? दूसरा है फेमिनिन। क्या है? फेमिनिन। तो फेमिनिन मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। अब तीसरा है कॉमन। क्या है? कॉमन। कॉमन मतलब होता है उभयलिंग। उभयलिंग। और चौथा है न्यूटर। क्या है? न्यूटर। और न्यूटर मतलब क्या होता है? नपुंसक लिंग। नपुंसक नहीं, पहले सुन लिया करो मेरा तब बोला करो। चौथा है न्यूटर जेंडर। ठीक है, जेंडर जेंडर इसमें जोड़ना पड़ेगा। जेंडर मतलब लिंग होता है, तो मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग, कॉमन मतलब उभयलिंग और न्यूटर मतलब नपुंसक लिंग। समझ में आया कि नहीं? तो पहला अगर तो हमने क्या टॉपिक बनाया? मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन में सारे आते हैं पुरुष जाति के लोग। कौन आते हैं? पुरुष जाति के लोग। जैसे हमने कहा बॉय मैन। ठीक है, और क्या लिखेंगे बताओ? अंकल। वेरी गुड। और बताओ? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर और ग्रैंड फादर। और बताओ? फादर आएगा और ब्रदर आएगा। और इनके नाम भी तो आएंगे, जैसे किसी बॉय का नेम हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ? जैसे मयंक हो सकता है। वेरी गुड, विभोर हो गया। ठीक है, अब फादर का नेम भी तो कुछ हो सकता है, जैसे रमेश। ठीक है, पिंटू। ठीक है, ठीक। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये किस में आएंगे सारे? ये या तो बॉय हो या इनकी जात का कोई हो, तो वो सारे आएंगे मैस्कुलीन में। ठीक, अब दूसरा टॉपिक हमने, दूसरा टाइप क्या है? फेमिनिन। फेमिनिन मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग में कौन आता? सारी स्त्री जाति के लोग आते, सारी स्त्री जाति के। ठीक है, जैसे हमने कहा गर्ल। गर्ल। ठीक, और बताओ? वुमेन हो गया, आंटी हो गया, ग्रैंड मदर हो गया। ठीक है, और जैसे हमने कहा ब्राइड ग्रूम। ब्राइड मीन्स दुल्हन, और ब्राइड इसमें आएगा तो किसमें? ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है? दूल्हा। ठीक, और जैसे एक्टर हो गया। समझ में आया कि नहीं? एक्टर किस में आएगा? मैस्कुलिन। एक्ट्रेस किस में आएगा? फेमिनिन। अब अगले दिन हम तुमको समझाएंगे कि हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक, अभी ये समझ लो कौन किस में आ रहा है। ठीक, अब जैसे हमने कह दिया डॉग। अब इसमें हमको ये नहीं करना कि व्यक्तियों के नाम अलग करना है और जानवरों के नाम अलग करना है, सब आएंगे इसी में, बस हमको उनको अलग अलग लिखना है। जैसे हमने कह दिया डॉग, तो डॉग कहीं फेमिनिन होता है, क्या होता है? बिच। और डॉग किस में आएगा? इसमें। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर हमने कह दिया काऊ, तो काऊ इसमें आएगा, तो ऑक्स इसमें। समझ में आ गया? अब तीसरा क्या है? कॉमन। कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है? उभयलिंग। कॉमन मतलब? कॉमन मतलब उभयलिंग। तो उभयलिंग क्या होता है? जिसमें दोनों चीजें आ जाए, मैस्कुलिन भी आ जाए, फेमिनिन। ना अकेले वो मैस्कुलिन बताए, ना अकेले फेमिनिन, तो वो हो जाता है कॉमन। जैसे हमने कहा बेबी, तो बेबी क्या है? कॉमन है। हम बॉय को भी बेबी बोलेंगे, गर्ल को भी बेबी बोलेंगे। फिर अगला क्या है? टीचर। वेरी गुड। फिर फ्रेंड। फ्रेंड हो गया। पेरेंट्स हो गया। और एनिमी हो गया, PARENTS, एनिमी हो गया।
और बताओ, चाइल्ड हो गया, वेरी गुड। चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन एक ही तो है, वो उसका प्लूरल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, इतना हो गया। अब अगला है न्यूटर। न्यूटर जेंडर, और न्यूटर जेंडर मींस क्या होता है? नपुंसकलिंग। क्या होता है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में कौन आता है? सारी निर्जीव चीजें। समझ में आया कि नहीं? जैसे हमने कहा पेन, हाउस, हम लोग कहाँ रहते हैं? हाउस। ठीक है, तो हाउस क्या हो जाएगा? न्यूटर। इसमें कहीं जान होती है, इसको फिर से बना सकते हैं, फिर से इसको तोड़ सकते हैं, हैं? लेकिन जिनमें जान होती है उनको हम मार तो सकते हैं, लेकिन फिर से हम जिंदा कर सकते हैं? नहीं। हाउस हो गया, पेन हो गया, नल हो गया, टैप मींस क्या होता है? नल हो गया, बकेट हो गया, बकेट मींस क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? ठीक, टेम्पल हो गया, और बताओ, सोफा हो गया, बुक हो गया, ठीक है, पेन, पेंसिल, बुक हो गया, बैग हो गया, ये सारी चीजें किस में आएंगी? न्यूटर में। तो टॉपिक क्लियर हो गया ना? जेंडर क्या क्या हो सकता है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, दोनों, यानी कि बोथ। दोनों को किस में रखेंगे? बोथ में। ठीक है, और न्यूटर मतलब नपुंसकलिंग। तो आप सब क्लियर? ठीक, डन करें, चलो।